हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का भरता। ये देखिए, मैंने चार टमाटर ले लिए हैं और इनमें मैं इस तरीके से फॉग लगा दूंगी और इनको गैस पर बिल्कुल स्लो में भून लूंगी, इनको कम गैस करके। और बस इस तरह से स्टैंड रख दें आप और इस तरीके से इनको टमाटर को रख दें। देखिए, इस तरीके से सेट कर दें टमाटर कि जले भी नहीं आपके टमाटर और अच्छे तरीके से भून जाएं। और इनको भूनने देंगे हम थोड़ी देर, और जब भूनते रहेंगे हमें थोड़ी थोड़ी देर में इनको उलट पलट करके देखते रहेंगे जिससे कि ये जल ना जाए हमारे टमाटर। देखिए, इस तरह से भून रहे हैं ये, तो इन्हें हम भूनने देंगे। टमाटर का भरता इतना अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इस तरीके से ये देखिए हमारे टमाटर भून चुके हैं। अब हम इनको हटा देंगे और इसी तरीके से दूसरे टमाटर भी हम भून लेंगे। दोनों चारों टमाटरों को हम अच्छे से पक जाएं, अंदर तक पक जाएंगे। थोड़ा सा दबा कर देख लीजिए आप, ऐसा ना हो कि ऊपर से ही आपका छिलका काला रह जाए। तो गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखिए। ये देखिए हमारे टमाटर भून चुके हैं। अब इनको हम साफ़ कर लेंगे, इनके ऊपर से सारा ब्लैक ब्लैक जो भी है ये सब हटा देंगे। तो देखिए, छील के और एकदम से साफ़ कर लेंगे इसको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, अब मैं टमाटरों को मैश कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैश कर लें आप, हाथ से ही मैश कर लें। ये देखिए, अब मैंने इसके लिए थोड़ा सा पानी ले लिया है। मैं ये पानी बॉईल कर लूँगी क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा हम बॉईल करके ही पानी डालेंगे, कच्चा पानी। ये देखिए, मेरे पानी में बॉईल आ चुका है, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। इसके लिए मैंने दो हरी मिर्च ले ली हैं, आपको जैसा भी रखना है आप रख सकते हैं, ज़्यादा तीखा या हल्का। तो ये दो हरी मिर्च ले ली है, मैं इनको बिल्कुल बारीक करके इसमें डाल दूँगी, बारीक काट के। और इसमें मैं डालूँगी काला नमक, ये हमने इसमें दो हरी मिर्च डाल दी है। और ये देखिए, थोड़ा मैंने पानी मिक्स कर दिया है इसमें, ये ज़्यादा गाढ़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। ये देखिए, अब सही है ये एकदम, इसका ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखें आप इसकी। इसमें मैंने हरी धनिया पत्ती डाल दिए हैं और ये मैंने इसमें जीरा पाउडर जो मैंने भून लिया है, जीरा मेरे पास पाउडर नहीं था इसलिए मैंने साथ ही साथ भून करके इसे पीस के इसमें डाल दिया है। नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें मैंने काला नमक भी डाल दिया है, ये रेड चिल्ली पाउडर डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने ये देखिए मिक्स कर लिया है हमने, और इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है, तो आप इसमें हींग भी ऐड कर दें। ये हरी धनिया पत्ती डाल दी है मैंने। ये हमारा टमाटर का भरता बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे किसी के साथ भी खाएं, आलू का परांठा या सादा परांठा या रोटी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा